हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुसाफिरी आरा व्लॉग्स। अब आज हम बात करने वाला है ये टेंट के बारे में कि कौन सा टेंट अच्छा है, मैं पर्सनली कौन सा टेंट यूज़ करता हूँ। और मैं पर्सनली मतलब डीकैथलॉन को ज़्यादा सजेस्ट करूँगा, मैं इसका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये मैंने बहुत जगह पर यूज़ किया है और मतलब वैल्यू के मनी है। ये जो टेंट है ये आप देख रहे हो 2% टेंट है, 2.2 केजीस का वेट है, कैचुआ का ये टेंट है। डीकैथलॉन में से मैंने परचेज़ किया था, तकरीबन 2000 रुपये का उस टाइम पर मुझे पड़ा था। अभी मतलब इसमें नए मॉडल भी अवेलेबल हैं वहाँ पे, ये पुराना मॉडल बंद हो चुका है तो नया मॉडल भी है, लेकिन मैं आपको इसका रिव्यू दूंगा 2 साल के बाद और हम लोग वाटर टेस्ट भी करेंगे। मेरे टेंट बहुत जगह मैंने यूज़ किया है, लोनावाला में मैंने कैंपिंग किया था, सापुतारा में मैंने 2-3 बार कैंपिंग किया था, तभी भी ये टेंट यूज़ किया था। तो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगा गो फॉर डीकैथलॉन टेंट। ओके, तो चलो इसको लगाते, कैसे लगाना है ताकि कैसे टेंट लगाना है वो भी बहुत ज़रूरी है, तो हम लोग इसका स्टार्ट करते हैं। इसके साथ ये वाइट डोरी मिलती है जो कि जो क्लैंप जो है वो लगाने के लिए। इसको रखेंगे साइड में, इसका कवर मेन जो है ये स्टिक लगाना, आपको जो ऐसी लंबी लंबी स्टिक मिलेगी वो एक के अंदर ही कैसे चली जाएगी। अभी ये जो इसका जो बेस है ट्रिपल, बहुत हैवी मटेरियल है, नीचे वाला जो है बहुत हैवी मटेरियल है, ये जो ट्रिपल को है हम लोग इसको सीधा कर देंगे। और जब भी आप मतलब कहीं पे भी टेंटिंग कर रहे हो तो उसको मेन जो है विंड डायरेक्शन के ऑपोजिट उसका डोर होना चाहिए ताकि उसमें हवा भर के टेंट उड़ ना जाए। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट से वो पॉइंट पे को यहाँ पे ऐसे लगाना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसके अंदर फंसा के पूरा लगा दिया, फिर ये जो टेंट के ऊपर जो हुक दिया हुआ है यहाँ पे लगाना है सेंटर में एक, और हर एक जगह पे यहाँ पे गोल गोल। तो ये हो गया हमारा टेंट रेडी, इसको खोलेंगे। ये वेंटिलेशन के लिए अब हम इसके ऊपर हमारा जो वाटर प्रूफिंग वाला जो लेयर है, ये जो ग्रीन कलर का जो लेयर है वो इसके ऊपर हम लोग इसको इसके ऊपर हम लोग डालेंगे। We'll be right back.
तो ये हो गया है हमारा टेंट रेडी। ये जो मेन है ये वाटर प्रूफिंग का पूरा लेन लग गया है। उधर से बताता हूँ, काफ़ी अच्छी 2% के लिए आप थोड़ा सामान रख सकते हो और आराम से कैंपिंग कर सकते हो। और ये जो है ये जो रस्सी और ये जो क्लैंप दिया हुआ है उसको आपको मतलब ये आगे से दो, ये जो दिया है यहाँ से और यहाँ पे, वहाँ से दो 45 डिग्री पे, मतलब एज्यूम करना है 45 डिग्री पे आपको उसको क्लैंप करना है ताकि वो अच्छे से पकड़ के रहे। और ये दो जगह है यहाँ पे और एक यहाँ पे, मतलब चारों साइड से, मतलब आपका कितनी भी हवा होगी फिर भी आपका टेंट हिलेगा नहीं, उड़ेगा नहीं। आप सेफली पूरी रात अच्छे से सो सकते हो। और अब हम इसका वाटर टेस्ट करेंगे और देखेंगे अंदर पानी गिरता है या नहीं। हम लोग चेन सब बंद कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, अभी हम इसका वाटर प्रूफिंग टेस्ट करने वाले हैं, तो हम लोग इसके ऊपर भी पानी डालेंगे। मेरे ख्याल से इतना पानी काफ़ी है। पानी जाने की जगह तो है नहीं कहीं पे। अभी हम लोग, मैं आपको अंदर खोल के दिखाता हूँ। देखिए अंदर पानी की एक बूंद नहीं है, एक बूंद नहीं है पानी की। मतलब ये हमारा टेंट वाटर टेस्ट में पास हो गया। वैसे तो मैंने इसको सापुतारा में फुल बारिश में हमने इसको यूज़ किया हुआ है। हम लोग ने काफ़ी अच्छी तरीके से, मतलब रात वहाँ पे हमारी गई थी एकदम सेफली, पानी की एक बूंद नहीं आई थी। यहाँ ये जो ट्रिपल का जो मटेरियल है वो काफ़ी बल्ब, मतलब बहुत मस्त मटेरियल। जब भी टेंटिंग के लिए जाओ तो मैं सजेस्ट करूँगा आप अच्छी क्वालिटी वाला और बने तो डीकैथलॉन का ही टेंट यूज़ करिए। तो फ्रेंड्स, आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आज का व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, कुछ और चीज़ें अनबॉक्सिंग करेंगे, उसके बारे में रिव्यू दूंगा। अभी की लॉकडाउन की वजह से कहीं पे जा नहीं सकते, तो राइड तो अभी सारी सब कैंसिल है। तो मिलती है अगले व्लॉग में।